गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम सुधाकर सर एंड टुडे आई टीच टू यू क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर 14 फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मींस होता है गुणनखंड। स्टूडेंट्स, पहले हमने आपको क्या पढ़ाया था कि कोई भी नंबर्स होता था उनका मैंने फैक्टराइजेशन करना सिखाया था। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा फैक्टराइजेशन जो एल्जेब्रिक मैथमेटिक्स में, जिसमें वेरिएबल और कॉन्स्टेंट प्रेजेंट्स रहते हैं, उसका हम लोग फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। तो उनको सीखने से पहले हम पहले टॉपिक्स में समझते हैं फैक्टर ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपने समझ, अब आपको मालूम होना चाहिए नेचुरल नंबर क्या है। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, मैंने बताया था आपको। और ये नेचुरल नंबर कहाँ से काउंट करते हैं? वन से काउंट करते हैं। कहाँ तक काउंट करते हैं? इनफाइनाइट तक काउंट करते हैं। तो अगर किसी जनरली नेचुरल नंबर का फैक्टराइजेशन करते हैं, सपोज द हमने एक नेचुरल नंबर ले लिया, 15 ले लिया। अगर हम 15 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1, 3, 5। ये तीन ही फैक्टर मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 1, 3, 5। अगर हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 × 15, मैंने बताया था आपको। 2, अब 2 से तो होगा ही नहीं, 3 से लिख कर सकते हैं 3 × 5। तो 1, 3, 5, 15, ये क्या है? 15 का फैक्टराइजेशन करने पर हमें क्या मिलता है? 1, 3, 5, 15। ये तो 15 के फैक्टर्स हैं। क्या है? 15 के फैक्टर हैं। इसी तरह हम क्या है कि जिस तरह हमने नेचुरल नंबर का फैक्टराइजेशन किया है, उसी तरह अल्जेब्रिक मैथमेटिक्स में हम क्या निकालते हैं? फैक्टर्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं? फैक्टर्स निकालते हैं। और क्लास 7th में आपने टर्म और फैक्टर निकालना चैप्टर 12.1 में सीखा था आपने, और क्लास 8th में भी आप सीखेंगे 14.1 पे टर्म और फैक्टर निकालना। तो मैं आपको जनरली चीज़ें बता देता हूँ जिससे आप क्या है कि अगर आप इन सारे फैक्टर्स को, कॉन्सेप्ट को अगर क्लियर कर रहेंगे तो 14.1, 14.2, 14.3 के क्वेश्चन सॉल्व करने में, किस 14.4 के क्वेश्चन सॉल्व करने में किसी भी प्रकार की क्या है प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो पहले हम इंट्रोडक्शंस को ही समझेंगे। अभी मैंने बताया कि नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर, उसका फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, इसने आपने देखा। जैसे मैंने 30 का फैक्टराइजेशन करा, अब 30 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 30 का क्या आएगा? 1 आएगा, 2 भी आएगा, 3। अब 1 से 1 30, 30 में 30, 2 से 15, 2 जो 30, 3 से 3 10 जो 30, 4 से तो होगा नहीं, 5 से 5 6 जो 30, 6 5 जो 30, फिर इसके बाद आएगा 10 से 10 3 जो 30, फिर 15 2 जो 30 और 30 में जो 30। तो 30 के फैक्टराइजेशन करने पर हमें क्या मिलेगा? 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30, ये 30 का फैक्टराइजेशन करने पर मिला। तो इसी तरह जिस तरह मैंने अभी आपको नेचुरल नंबर्स के पहले टॉपिक से बताया कि फैक्टराइजेशन करते हैं, उसी तरह हम अल्जेब्रिक मैथमेटिक्स में भी फैक्टराइजेशन करते हैं। अब देखते हैं फैक्टर ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। मैंने आपको नेचुरल नंबर का फैक्टर बताया, अब हम अल्जेब्रिक मैथमेटिक्स का फैक्टर बताएंगे। तो फैक्टर ऑफ अल्जेब्रिक मैथमेटिक्स क्या लिखेंगे? फैक्टर ऑफ, दूसरी टॉपिक, फैक्टर ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजगणितीय समीकरणों का देखेंगे। फैक्टर ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, फैक्टर ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हम बीजगणितीय समीकरणों का क्या है फैक्टराइजेशन देखते हैं कि फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं। सपोज द हम फर्स्ट, मतलब वन टर्म वाले नंबर की अगर बात करते हैं, जिसमें एक ही टर्म हो, वन टर्म हो, जिसमें वन टर्म है। अब वन टर्म वाले नंबर जैसे आएंगे आपके यहाँ पे, मैंने लिख दिया 6xy। स्टूडेंट, अगर इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे, इसका फैक्टर्स निकालेंगे, 6xy फैक्टर ऑफ 6xy इसका फैक्टर निकालेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? 6 है नंबर पे तो 6 लिख देंगे, x है तो x लिख दिए, y है तो y। तो 6xy के 3 फैक्टर्स आपको मिले, पहला तो 6 है, दूसरा x, तीसरा y।
तो इस सिंपल कोई भी नंबर हो, अगर हम उसका फैक्टराइजेशन करेंगे, तो जैसे 1 टन वाला नंबर था 6xy, तो इसका हमने क्या किया, फैक्टराइजेशन किया, तो 6 × x × y से 3 फैक्टर इसको इस तरह लिख दिया मैंने। तो अलजेब्रिक मैथमेटिक्स का फैक्टराइजेशन कुछ इस तरीके से करते हैं। कंसिडर्ड है सेकेंड नंबर, मैंने दूसरा नंबर ले लिया, क्या ले लिया, दूसरा नंबर ले लिया, और उनको फैक्टराइजेशन करने के लिए बोला कि उनका फैक्टराइजेशन हम लोग कैसे करेंगे, क्या करेंगे उनका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। तो देखिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ और उसका फैक्टराइजेशन करके आपको सिखाता हूँ। जैसे मैंने एक अब 2 टर्म वाला, पहले 1 टर्म वाला, अब 2 टर्म वाला, अब 2 टर्म जिसमें होंगे, 2 टर्म, अब 2 टर्म होंगे, तो 2 टर्म वाले क्वेश्चन देखेंगे। अब यहां लिखा 3x × x + 2। अब इसका अगर हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखेंगे कि यहां पे हमारे पास क्या है, 3 है मैंने रख दिया, इंटू में x है रख दिया, और इंटू में x + 2 है इसको भी लिख दिया, ये इसका फैक्टराइजेशन हुआ। दूसरी मेथड से आप क्या कर सकते हैं इसका फैक्टराइजेशन करने के लिए, इसको इस तरह भी कर सकते हैं, जैसे 3x है ना, 3x का x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3x का स्क्वायर, 3x का 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3×2 = 6x। अब इसको अलग अलग टर्म में लिख करके आप इसको क्या है फैक्टराइज कर सकते हैं, ट्री मेथड से मैंने बताया। अब ये टर्म अलग अलग, फर्स्ट टर्म ये होगी, सेकेंड टर्म ये होगा, थ्री मेथड से करेंगे, 3 हो गया x हो गया, x हो गया, और 6 हो गया, x हो गया, तो इस तरह भी हम इसका फैक्टराइजेशन ट्री मेथड से कर सकते हैं। तो ये था हमारा फैक्टराइजेशन, फैक्टर निकालना। अब ये कहता है मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर। अब थर्ड नंबर टॉपिक हमारी कहती है मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर देख लेते हैं निकालना, कॉमन फैक्टर की मेथड को समझते हैं। मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर, सपोज द हमारे पास नंबर है 2x + 4, सपोज द 2x + 4, मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर समझिएगा, बहुत ही इजी मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर। इसमें आपको एक ऐसे नंबर का सिलेक्शन करना है जो दोनों में कॉमन हो। फर्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको दे देता हूं एक नंबर 3x + 6, यह एक मेरे पास नंबर है जो कि 2 टर्म का नंबर है। कितने टर्म है इस नंबर में, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म है, ये हमारा फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, 2 टर्म के नंबर है। अगर हम इसका फैक्टराइजेशन करते हैं, फैक्टर निकालते हैं, तो अगर इसकी फैक्टर की अगर हम बात करते हैं, फैक्टर ऑफ 3x की बात करते हैं, 3x + 6 की अगर इसके फैक्टर की बात करते हैं, तो इसको हम ब्रेक करते हैं, देखेंगे 3×x ऐसे ब्रेक कर दिए, 6 को ब्रेक कर देते 3×2 कर दिए। अब इसमें देखेंगे इसका यहाँ पे 3×x किए, 3×2 किए, अब इन दोनों में एक नंबर आपको कॉमन मिल रहा होगा, उस कॉमन नंबर को देखेंगे कौन सा है, 3 है। 3 को मैंने क्या कर दिया, बाहर कर दिया, अब अंदर लिख दिया x + 2, तो ये हमारा क्या हो, कॉमन फैक्टर का कहलाएगा, क्या कहलाएगा, कॉमन फैक्टर कहलाएगा, क्योंकि इसमें मैंने रीग्रुपिंग की दोनों की, 3x और 3×2, अब इन दोनों से 3 को कॉमन कर दिया, तो अंदर बचा है x + 2, तो यहाँ पे 3×x + 2 ये कॉमन फैक्टर के एग्जाम्पल है, किसके एग्जाम्पल है, कॉमन फैक्टर्स के। फिर इसके बाद ऐसे और एक नंबर का फैक्टराइजेशन कर सकते हैं कॉमन फैक्टर निकालने के लिए, सपोज द एक और एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल है 12a² देखिएगा 12a² b, क्या लिखा है 12a² b + 15ab²। अब हमें इसमें कॉमन फैक्टर इसके निकालने, क्या निकालने, कॉमन फैक्टर निकालने हैं इसके, क्या निकालने, कॉमन फैक्टर। तो आप क्या करेंगे, देखिए 12a² b, पहले तो 12 को हम क्या करेंगे,
12 को लिख लेंगे 3 × 4, 3 × 4 जो 12 होता है। ए स्क्वायर को लिख देंगे a × a × b, इसको लिख देंगे, इनका फैक्टराइजेशन कर दिया, 12 ए स्क्वायर b का फैक्टराइजेशन किए हैं, तो देखेंगे 3 × 4 a × a × b फैक्टराइजेशन करके लिख दिए। अब 15 ab² का फैक्टराइजेशन करेंगे स्टूडेंट, तो 15 है, 15 को लिख सकते हैं 3 × 5 = 15 लिख सकते हैं। a है, a का सिंपल सा देखेंगे a है, तो a है तो इसको हम लिख सकते हैं × a × b × b। अब स्टूडेंट इसमें देखते हैं दोनों में से कौन सा नंबर हमारे पास कॉमन है, जो इस फर्स्ट टर्म में भी है और सेकंड टर्म में भी है, दोनों टर्म में होना चाहिए। कौन सा नंबर हमारा दोनों टर्म में है, जो कि फर्स्ट टर्म में है और सेकंड टर्म है। तो फर्स्ट टर्म में स्टूडेंट हमें मिला 3, क्या मिला 3। फिर दूसरा नंबर हमें फर्स्ट टर्म में क्या मिला, ए, और तीसरा नंबर मिला बी। और सेकेंड टर्म में देखते हैं कॉमन, इसमें भी सेकेंड टर्म में भी 3 है, ए है और बी है। तो इसमें हमें दोनों टर्म में देखेंगे, फर्स्ट और टर्म बोथ टर्म पे आपको, नाउ यू सी द बोथ टर्म फर्स्ट एंड सेकंड, सी द कॉमन नंबर ऑफ 3ab ओनली। तो 3ab को हमने कॉमन कर दिया, 3 × a × b ये हमारे बाहर आ गए। अब देखेंगे कि हम अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या रखेंगे, जिन टर्म पे मैंने क्या है सर्कल नहीं किया है वही टर्म हमारे क्या होंगे ब्रैकेट के अंदर लिखे जाएंगे। तो 3ab हमारा कॉमन हो गया, अब अंदर क्या बचा 4, मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, फिर एक क्या बच रहा है a, 4 × a + 5 × a, तो इसका बाहर हो गया, b भी बाहर हो गया, यहाँ पे आ गया। अब अंदर क्या बचा b, इसको क्या लिखेंगे 3ab, और अंदर कॉमन में क्या, ये कॉमन आ गया, अंदर क्या है 4a + 5b। इस तरह हमारा क्या है कॉमन फैक्टर निकालने का मेथड, मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर। किसी कोई भी नंबर अगर हमारे सामने प्रेजेंट हो तो उन नंबरों को हम क्या निकाल सकते हैं, कॉमन फैक्टर्स निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं स्टूडेंट, कॉमन फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो इस तरह ये हमारा क्या हुआ टॉपिक्स हुई, कॉन्सेप्ट हुआ। अब हम इन ही कॉन्सेप्ट को लेकर के एक और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फैक्टराइजेशन बाय द ग्रुपिंग टर्म। एक कॉन्सेप्ट हमारा और है अभी, फैक्टराइजेशन बाय द ग्रुपिंग टर्म, रीग्रुपिंग टर्म वाला देख लीजिए। आफ्टर दैट फिर चलते हैं टर्म पॉइंट 1 के क्वेश्चन में। फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म, फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग, रीग्रुपिंग टर्म। सपोज तो अब इसमें बोलता है फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म, हमारे पास कोई क्वेश्चन है जो रीग्रुपिंग में है, मतलब वो ग्रुप में लिखा हुआ, कैसे लिखा हुआ है ग्रुप में लिखा हुआ है, अब हमें उसका फैक्टराइजेशन करना है। सपोज तो आपके पास क्वेश्चन है ऐसा लिखा 2xy+, देखिएगा स्टूडेंट फिर क्या लिखा है 2y + 3x + 3, ध्यान से देखिएगा। अब ये कहता है फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में देखें कि कितने टर्म है, 1, 2, 3, 4 टर्म है, और इनका फैक्टराइजेशन में करना है। तो देखेंगे बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे आपका 2xy लिखा है, इसको आप क्या लिख सकते हैं 2 × x × y, ओके, प्लस 2y को क्या लिख सकते हैं 2 × y लिख सकते हैं, फिर क्या है प्लस 3x को क्या लिख सकते हैं 3 × x, 3 को क्या लिख सकते हैं 3 × 1 लिख सकते हैं।
अब यहाँ थ्री था तो थ्री बन जा थ्री। आप देख सकते हैं यहाँ पे टू इंटू, इसको भी लिख दीजिए टू इंटू वाई इंटू वन, टू बन जाए टू वाई भी कर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अब ये हमारा क्या है, रीग्रुपिंग टर्म। इसमें बोलता है कि आपको फैक्टराइजेशन निकालना है जो रीग्रुपिंग टर्म में, मतलब कि ग्रुप करके। तो अब स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, इनका ग्रुप बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे। तो पहला ग्रुप हम बना लेते हैं 2xy का और 2y का, ओके। बीच में प्लस का साइन है, रहन देंगे। दूसरा ग्रुप बनाते हैं हम 3x प्लस 3 इंटू x प्लस 3 इंटू 1 का। ये फर्स्ट ग्रुप हो गया, ये हमारा ये सेकेंड ग्रुप हो गया। इसमें ग्रुपिंग करने के लिए बोलो, समूह बनाने के लिए मैंने पहला ग्रुप बनाया 2xy प्लस 2y का और दूसरा ग्रुप बनाया 3x प्लस 3 इंटू 1 का। अब स्टूडेंट हम इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे जो दो, जो अंक दोनों में से होगा। आप पहले नंबर पे आपको देखेंगे कि 2 2 दोनों कॉमन मिल रहे हैं। दूसरे नंबर पे इसमें दिख रहा है आपको y और एंड y, ये कॉमन मिल रहा है। तो 2 डिजिट इसमें कॉमन मिला, पहले नंबर पे 2 मिला, दूसरे नंबर पे y। ये दोनों इनमें से 2y बाहर आ गया। ब्रैकेट के अंदर आपको क्या मिला, सिर्फ एक x और यहाँ पे 1, तो x प्लस 1 बाहर मिल गया। दूसरे ग्रुप में देखेंगे, दूसरे ग्रुप में आपको क्या मिल रहा है, इसमें 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है। तो दूसरे ग्रुप में आपको क्या मिल गया, 3 कॉमन। अंदर क्या मिल रहा है आपको, ब्रैकेट के एक x मिल रहा है और दूसरा 1 मिल रहा है। अब इन दोनों में से आप देखेंगे तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, पहले 2y इंटू अंदर क्या ब्रैकेट के x प्लस 1 प्लस 3 इंटू x प्लस 1, इतना मिला। अब इन दोनों में से कॉमन निकल रहा है x प्लस 1, x प्लस दोनों के में था, तो x प्लस 1 निकाल के मैंने बाहर रख दिया। अंदर ब्रैकेट के क्या बचा हमारे पास, 2y प्लस 3। इस तरह हमने क्या किया, रीग्रुपिंग करने करके किसी भी नंबर का जिसमें मोर फैक्टर है, 3 or 2, 2, 3 or more फैक्टर हो, उसका हम क्या निकाल सकते हैं, फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं, फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन इसका और ले लेता हूं मैं, एक क्वेश्चन और समझाता हूं, एक क्वेश्चन और लेके समझाता हूं। देखिए एक क्वेश्चन और मैंने ले लिया, तो क्वेश्चन क्या लिखता हूं स्टूडेंट देखिएगा, 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x प्लस 6 माइनस 9x। तो स्टूडेंट क्वेश्चन को करने से पूर्व हम क्या करेंगे, क्वेश्चन की रीग्रुपिंग करेंगे। मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस की रीग्रुपिंग करेंगे। क्या करेंगे, रीग्रुपिंग करेंगे। तो आप यहां पे देख रहे हैं कि 6xy लिखा है, 6xy लिखा है, फिर माइनस 4y लिखा है, फिर 6 लिखा है, फिर माइनस 9x लिखा है। अगर हम इनकी रीग्रुपिंग करते हैं तो पहले नंबर पे आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, पहले नंबर पे आपको यहाँ पे दिख रहा है 6xy प्लस 6। अगर इस तरह की रीग्रुपिंग करते हैं तो नहीं, पहले हम 6xy को ले लिए, दूसरा हम x वाले को ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं, x वाले को। x वाले में आपको क्या क्या है, माइनस 9x। फिर इसके बाद हम y वाले को ले लेते हैं, माइनस 4y और प्लस 6, इनकी रीग्रुपिंग करने के लिए। अब यहाँ 6xy है, 9x है, तो ये हम पहला ग्रुप ले लेते हैं, ओके। ये हमारा पहला ग्रुप हो जाएगा, ये दूसरा ग्रुप हो जाएगा, 6xy, ये हमारा पहला ग्रुप हो जाएगा, ये दूसरा ग्रुप हो जाएगा। अब 6xy को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू x इंटू y,
लिख सकते हैं 9 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू यस, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू वाई, 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3। इनका हमने फैक्टराइजेशन किया, 6y xy का फैक्टराइजेशन किया तो क्या लिखा 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई, 9x का फैक्टराइजेशन किया 3 इंटू 3 इंटू एक्स, 4y का फैक्टराइजेशन किया 2 इंटू 2y, 6 का फैक्टराइजेशन किया 2 इंटू 3। इन सभी का फैक्टराइजेशन मैंने कर दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप पे देखिएगा, अब इन्हें कॉमन क्या निकलेगा। आप इसमें देखेंगे कि आपको 3 मिला कॉमन के रूप में, x मिला, इसमें भी 3 मिला x मिला, 3x कॉमन मिले, इसमें आपको कॉमन के रूप में 2 मिला और इसमें भी आपको 2 मिला। तो फर्स्ट से हम क्या निकालेंगे 3x कॉमन निकाल दिए। अब ब्रैकेट के अंदर हमारे पास बचा 2y, क्या बचा 2y माइनस 3। अब इसमें से कॉमन क्या निकलेगा स्टूडेंट, ये माइनस के साइन है, इसके साथ 2 निकलेगा तो माइनस 2 कॉमन निकलेगा। ब्रैकेट के अंदर 2y बचा था, अब माइनस 2 कॉमन हो गया तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, 2y माइनस 3। अब आप देखेंगे इन दोनों में से 2 माइनस 3 कॉमन है, 2y माइनस 3 कॉमन है, 2y माइनस 3 कॉमन निकाल दीजिए तो अंदर हमारे पास क्या बचा 3x माइनस 2। तो इसका आंसर क्या आया 3x माइनस 2 2y माइनस 3, ये आंसर। इस तरह हम क्या है कि कोई भी कितना बड़ा से बड़ा नंबर है रीग्रुपिंग करके, उसका फैक्टराइजेशन और रीग्रुपिंग करके हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आज की क्लासेस हमारी इंट्रोडक्शन क्लासेस थी, जिसमें आपने वन टर्म के फैक्टर, टू टर्म के फैक्टर्स, मैंने टू और मोर टर्म, थ्री टर्म, फोर टर्म के फैक्टर्स, इन सभी का फैक्टराइजेशन करना सीखा। दूसरे नंबर पे कॉमन फैक्टर्स निकालना सीखा। तीसरा नंबर रीग्रुपिंग करके कॉमन फैक्टर निकालना सीखा। तो स्टूडेंट आज की वीडियो मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। आप वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।